नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अटल टनल रोहतांग जनता के हवाले, प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। सीएम जयराम बोले, सुरंग खुलने से विकास के नए युग का सूत्रपात। ऊना में 9 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण, करीबी रिश्तेदार ने तार तार किए रिश्ते, मामला दर्ज। पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार, 14 अक्टूबर तक दर्ज करवाएं आपत्तियां। परीक्षा से वंचित छात्र अब दे पाएंगे एग्जाम, कोविड के चलते नहीं दे पाए थे इम्तिहान। जल्द जारी होगी पदोन्नति लिस्ट, शिक्षा विभाग ने तेज की कदम ताल। कोरोना अपडेट, 10 मौतें, 88 नए मामले, 165 हुए रिकवर। शाहतलाई के निघियार में पूर्व सैनिक को 4 लाख की चपत, शातिरों ने एटीएम पिन जानकर अकाउंट में लगाई सेंध। निराश कर गए पीएम मोदी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, कोरोना काल में बड़े आर्थिक पैकेज की आस में था हिमाचल। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, कभी शराब पी कर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, टू व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम के लोकार्पण कार्यक्रम को लाइव भी प्रसारित किया गया। इसके लिए प्रदेश भर में एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल का सपना देखा था, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। इस टनल के खुलने से क्षेत्र के लोगों सहित भारतीय फौज को इसका काफी लाभ मिलेगा। ये टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है। इसके बन जाने से पर्यटन व्यवसाय को भी पंख लगेंगे। पीएम ने सिस्सु और सोलंग नाला में भी जनसभाओं को संबोधित किया और पुरानी यादों को ताजा किया। इस दौरान उन्होंने सोलंग नाला में कुलवी भाषा में भाषण देकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अटल टनल के लोकार्पण के लिए पीएम का धन्यवाद किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुरंग के खुलने से लाहौल घाटी में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। उन्होंने बीआरओ को भी इसकी बधाई दी। गौरतलब है कि इस सुरंग के निर्माण से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम होगी। बताते चलें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में टनल के दक्षिणी छोर तक पहुंचने के लिए सड़क की आधारशिला रखी थी। जिला ऊना में 3 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद 24 घंटों के भीतर अब 9 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़ित की माता ने घटना के संबंध में महिला थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं उन्होंने पंजाब के होशियारपुर जिला निवासी अपने ही एक रिश्तेदार के खिलाफ उसकी बेटी के साथ यौन शोषण करने का आरोप जड़ा है। पुलिस ने मां की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम को रवाना कर दिया गया है। डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर ने बताया, पुलिस ने मामले के संबंध में पंजाब के होशियारपुर जिला के तहत पड़ते एक गांव निवासी 25 वर्षीय आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी को धर दबोचा जाएगा। पंचायती राज चुनावों के लिए जिला शिमला की मतदाता सूची तैयार कर दी गई है। यह सूची निरीक्षण के लिए जिला परिषद कार्यालय, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। यदि किसी का नाम सम्मिलित नहीं हुआ है या कोई अन्य आक्षेप हो तो वे 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के कॉलेजों में आयोजित करवाई गई परीक्षाओं में जो छात्र कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएं नहीं दे पाए थे, शिक्षा विभाग उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका देगा। अब उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा ना देने वाले छात्रों का डाटा मांगा है। सभी कॉलेज प्रिंसिपल को निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा जल्द से जल्द भेजा जाए। शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल प्रमोशन के बाद अन्य पदों पर भर्तियों की भी तैयारियां हैं। जल्द ही शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा मिलने वाला है। जेबीटी से टीजीटी,
सीएनवी से टीजीटी और टीजीटी व प्रमोटी लेक्चरर को पदोन्नत कर मुख्य अध्यापक बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को इसके लिए परफॉर्मा जारी किया है। कोरोना वायरस ने शनिवार को 10 लोगों की जान ली है। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 204 हो गया है। शनिवार को कोरोना के 88 नए मामले आए हैं और 165 लोगों ने कोरोना से रिकवर कर लिया है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15,562 हो गया है। एक्टिव मामलों की संख्या 3,172 है और कोरोना वायरस से पीड़ित हुए 12,141 ने रिकवर कर लिया है। सरकार, प्रशासन व बैंक लोगों को हर समय अपना बैंक अकाउंट व ओटीपी शेयर ना करने की चेतावनी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद शाहतलाई की ग्राम पंचायत निघियार का पूर्व सैनिक लाखों की ठगी का शिकार हो गया। उल्लेखनीय है कि निघियार पंचायत के पूर्व सैनिक को 22 सितंबर को मोबाइल पर फोन आया कि हम शिमला SBI ब्रांच से बात कर रहे हैं कि आपका ATM कार्ड बंद हो रहा है, तो इसे पुनः चालू करवा लो। इसके लिए आप अपना बैंक अकाउंट ATM नंबर बताएं तथा आपको एक पिन नंबर आएगा, उसको बताने के पश्चात आपका ATM पुनः चल पड़ेगा। कुछ समय पश्चात पूर्व सैनिक को लगा कहीं ठगी का शिकार ना हो जाऊं, तो उसने बैंक को सूचना देकर अकाउंट बंद करवा दिया। लेकिन दो दिन बाद पूर्व सैनिक ने अपने अकाउंट तलाई ब्रांच से 50,000 निकलवाया, लेकिन अकाउंट बंद करवाना भूल गया। जब वह शनिवार को बैंक से 20,000 लेने गया तो उसे पता चला कि उसके खाते से 4,09,000 गायब थे। वहीं पुलिस थाना प्रभारी करमचंद ने कहा, पूर्व सैनिक ने ठगी का शिकार होने की शिकायत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोहतांग टनल का दौरा पूरी तरह एक राजनीतिक दौरा ही बनकर रह गया और इस बार भी मोदी प्रदेश के लोगों को निराश कर लौट गए। ऐसा कहना है कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनाली दौरे पर निशाना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस कोरोना काल में विकास के लिए कोई बड़ा आर्थिक पैकेज देंगे, पर सभी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये कहना कि हिमाचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसता है, ये एक बड़ा झूठ साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का भी इसके निर्माण में योगदान को याद करते। राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री इसके इतिहास को ना तो झुठला सकते हैं और ना ही नकार सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विकास में कांग्रेस के योगदान को झुठलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।